क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए, इसके बाद हम वर्कशीट 1 स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5 में कॉस्ट ऑफ वन बैट इज रुपीज 70। आपको एक बैट दिया गया है और उसकी कॉस्ट बताई गई है 70 रुपीज। ठीक है, 70 रुपीज उसकी कॉस्ट है, यानी कि 70 रुपीज का वो एक बैट है। अगर ऐसे बैट्स और हो जाएं, यानी कि 9 such bats विल कॉस्ट रुपीज, यानी कि ऐसे 9 bat और हो जाएं तो उनकी क्या कॉस्ट होगी, यानी कि उनके वो कितने की होगी। ठीक है, उसका प्राइस बताना है। एक का प्राइस आपको पता है 70, लेकिन अगर ऐसे 9 such bat हो जाएं, यानी कि इसी की तरह 9 bats और आ जाएं, तो उसका प्राइस क्या होगा। तो आपको पता है एक का प्राइस तो 70 है, लेकिन आपको 9 का निकालना है, यानी कि आप क्या करोगे, 70 plus 70 ऐसे ऐड तो नहीं करोगे ना, बार बार 9 times तो नहीं ऐड करोगे, बहुत लंबा हो जाएगा। हम क्या करेंगे, सिंपली 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 70 के साथ और इक्वल का साइन लगाएंगे। उसके बाद 9 को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0, क्योंकि आपको पता है प्रॉपर्टी है ये। ठीक है, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो 0 मिलेगा। 9 into 7, अब 9 का 7 आपको, 9 का टेबल आपको आता है, 9 into 7 कितना हो जाएगा, 63, यानी कि 630 विल बी योर आंसर। बेटे ये जो मैंने आपको इक्वल टू लगा के बताया है, ये वर्क आपका रफ में होगा, फेयर में तो सिर्फ आप ये बॉक्स ही फिल करेंगे। ओके, तो अब हम चलते हैं वर्कशीट 1 पे। नाउ कम ऑन द वर्कशीट 1।